चीन, साउथ कोरिया, हांगकांग समेत दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश कोरोना वायरस की एक और लहर का सामना कर रहे हैं। फ्रांस, इंग्लैंड, इटली व यूरोप के अन्य देशों में भी कोरोना वायरस की रफ्तार डरा रही है। भारत में भी चौथी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। अगले हफ्ते से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत होनी है। ऐसे में बाहर से संक्रमण भारत में भी फैल सकता है। हालांकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक कहते हैं कि जरूरी नहीं है जो दूसरे देशों में हुआ है भारत में भी वैसा ही हालात देखने को मिले। ICMR के एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा है कि राज्यों में दी जा रही छूट जारी रखनी चाहिए। पब्लिक हेल्थ का अप्रोच हमेशा डर में जीते रहना नहीं हो सकता है। डॉक्टर पांडा ने ये बात केंद्र के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को सर्विलांस बढ़ाने के निर्देश दिए जाने के बाद कही है। उन्होंने कहा कि लोगों को मास्क पहनना जारी रखना चाहिए और वैक्सीन कवरेज बढ़ानी चाहिए। पांडा ने कहा है कि क्लियर एक्शन प्लान के लिए और डेटा की जरूरत है, मगर भारत को सावधानी के साथ और पाबंदियां हटाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें सतर्क रहना चाहिए और सर्विलांस का हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। वहां हो रहा है, जरूरी नहीं है कि यहां भी ऐसा ही हो। चीन, हांगकांग और यूरोप के कुछ हिस्सों में केसेस बढ़ने पर ICMR एक्सपर्ट ने कहा है कि हर देश अपने हिसाब से संक्रमण रोकने का प्लान बनाता है। उन्होंने कहा तो अब किसी एक देश जैसा असर दूसरे में नहीं दिखाई देगा। अगर कहीं मामले बढ़ते भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ भी ऐसा ही होगा। एक देश के तौर पर हमें जीनोमिक और सेंट्रल सर्विलांस बढ़ा देना चाहिए। डॉक्टर पांडा ने ये भी ध्यान दिलाया है कि भारत ने COVID-19 के खिलाफ अलग टीकों का इस्तेमाल किया है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।